Hello dear children, today we will discuss about emphatic pronoun. What the emphatic pronoun? Emphatic pronoun is also known as emphasizing pronoun. Emphatic का मतलब ही होता है बेटा stress. These are also self. जैसे मैंने आपको reflexive में पढ़ाया था जो self वाले है ना, जो self वाले pronoun होते हैं ना, myself, yourself, they are also the part of emphatic pronouns. But आप बोलोगे मैम वो तो आपने reflexive में पढ़ाए थे, you are right. But reflexive pronoun में आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है. तो फर्स्ट, व्हेन द सेल्फ प्रोनाउन आर यूज्ड टू स्ट्रेस और एम्फसाइजिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. देखो ये एम्पैथेटिक जो प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट पे ज़्यादा है ना स्ट्रेस करता है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो बेटा आपका करता है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस करता है, स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज़ करता है, और ये आपका सब्जेक्ट पे स्ट्रेस करता है, तो सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर. ओके, दीज आर एम्फसाइजिंग. वो ये सेम प्रोनाउन आपके एम्फसाइजिंग प्रोनाउन के होते हैं बेटा. जैसे आई के लिए हम माई सेल्फ लगाते हैं, वी के साथ आर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, और इट के साथ इट सेल्फ. सेम दे के साथ देम सेल्फ. दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिलेटिव बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एम्पैथेटिक प्रोनाउन, ठीक है. सी, बट द डिफरेंस इज दिस, आई लेट यू नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथेटिक प्रोनाउन में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है. सी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन्स, ओके, इनमें डिफ्रेंशिएट बता रही हूँ. यूजेस अलग होते हैं बेटा, वर्ड सेम होते हैं. कौन कौन से पहले होते हैं आपके बेटा, आपको याद रखना है कौन सा था, माई सेल्फ, ठीक है, देन था आर सेल्फ, देन था आपका योर सेल्फ, सेल्फ था बेटा ये, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, आर सेल्फ्स, आई एम सॉरी, दिस इज योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, देन एनिमल्स के लिए इट सेल्फ, और जब प्लूरल होगा कोई भी प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे देम सेल्फ्स. तो ये सेवन वर्ड्स आपके रिलेटिव प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आते हैं, और यही आपके इम्पैथेटिक. दीज वर्ड्स जो मैंने आपको लिखे हैं, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज वेल एज इम्पैथेटिक प्रोनाउन. बट द डिफरेंस इज दिस, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बेटा, इट वर्क्स एज अ ऑब्जेक्ट, इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, ओके, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है. ओके, ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा रिसीवर ऑफ द एक्शन कहते हैं, जो एक्शन रिसीव करता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है. और एम्पैथेटिक जो प्रोनाउन होता है, इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का काम करता है. सब्जेक्ट होता है आपका डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन मीन्स वर्क. एज आई टोल्ड यू, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन में आपका ये चीज़ होना ज़रूरी है. सेंटेंस फॉर्मेशन जब आप करते हैं बेटा कोई भी सेंटेंस, तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, ओके, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब आती है, ओके, देन उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट. यानी कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब है, वो वर्ब है, वर्ड है, वो हमेशा वर्ब के बाद आता है, और सब्जेक्ट वर्ब से जस्ट पहले आता है. ये डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट आफ्टर आता है वर्ब के, और सब्जेक्ट बिफोर आता है. सब्जेक्ट कौन होता है बेटा, सब्जेक्ट कैन बी, ये कोई भी नाउन हो सकता है ना, नाउन्स, कोई भी नाउन्स, या फिर आपके ज़्यादातर पर्सनल प्रोनाउन्स होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन्स. अब पर्सनल प्रोनाउन्स मैंने आपको बताए थे कौन से, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये आपकी पर्सनल प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है, ओके. सी, दीज आर पर्सनल नाउन की तो कोई भी नेम हो सकता है ना, मेरा नाम, आपका नाम, आपकी फैमिली में कोई मेंबर है, बहुत सारे बच्चे हैं, उनको सबको मिलाकर, जैसे रोहन, रोहन एंड रीटा एक्सेट्रा, राइट. वर्ब की बात है एक्शन, और वर्ब को हम कहते हैं एक्शन वर्ब. एक्शन मतलब जो काम, क्रिया हिंदी में कहा जाता है इसको, ठीक है, एक्शन वर्ड्स. ऑब्जेक्ट कौन होता है बेटा, ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट भी कौन हो सकता है, नाउन, ये भी नाउन्स के नेम ही होते हैं, या फिर पर्सनल प्रोनाउन्स. और पर्सनल प्रोनाउन्स में ये वाले प्रोनाउन्स नहीं होंगे,
नाम का तो नाम लिखेंगे, पर पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कौन से वाले पर्सनल प्रोनाउन होते हैं बेटा? आई के लिए लगाते हैं हम मी, वी के लिए अस, यू के लिए यू ही लगाते हैं, ही के लिए हिम, ठीक है, शी के लिए हर, इट के लिए इट, और दे के लिए देम, है ना? दैट वॉज ऑल्सो टॉट, ठीक है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कोई भी थे आई के साथ, ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब ये कभी सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आ सकता, एंड में आएगा। मैं सेंटेंस बना के दिखाऊंगी। ये वाले जो पर्सनल प्रोनाउन है ये आपके ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ये भी ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं ऑब्जेक्ट वाले, ये सब्जेक्ट वाले पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट भी नाउन और पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, और ऑब्जेक्ट भी नाउन या पर्सन, ठीक है, क्योंकि एक्शन जो करेगा वो भी कोई इंसान जानवर या कोई ना कोई करेगा, है ना, एक्शन अपने आप नहीं होता, और उसको रिसीव भी कोई ना कोई करेगा, वो पर्सन एनिमल या, और पता है प्रोनाउन हम हमेशा नाउन की जगह भी लगाते हैं। सी आई विल राइट द सेंटेंस हियर, मैंने यहाँ लिखा है रेखा राइट्स द एसे, और मैंने यहाँ पे फिलअप डाला है, यहाँ पे रेखा आपको पता है सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इट इज़ सब्जेक्ट, दिस इज़ योर वर्ब। तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको पता है सेल्फ वाले वर्ड जो होते हैं सिंगुलर में सेल्फ यूज़ होता है, ये सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है, और सेल्फ जो होता है वो आपका प्लूरल फॉर्म होता है, फाइन बेटा, ओके। तो आप देखिए सेल्फ सिंगुलर होता है, सेल्फ प्लूरल, जैसे आई के साथ सेल्फ, तो ये आपकी वर्ब है, ठीक है। वर्ब के बाद में आप देखिए यहाँ पे भी नाउन है, बट इस नाउन को अभी हम ओनली ये रिसीव कर रहा है, ये एज अ ऑब्जेक्ट है। बट अगर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके तरीके से सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, बट वो लगेगा आफ्टर द वर्ब। तो एक लड़की है, लड़की के लिए हम लगाते हैं हर सेल्फ, ठीक है, वो ऐसे लिखेगी खुद से, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर चाहे तो मैं रेखा की जगह शी भी लिख सकती थी, जैसा कि मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आपको पढ़ाए थे, ठीक है बेटा। यहाँ पे शी भी लिखेंगे तो भी आपको देखना है या तो नाउन होगा या पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, और रिसीव करेगा वो ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बदलती हूँ, आप देखिए हर सेल्फ ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि वर्ब के बाद लिखा जाता है। अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा वेरी करती हूँ, रेखा, और रेखा के बाद मैंने हर सेल्फ लगाया है, उसके बाद वर्ब लिखी है राइट द एसे, ठीक है, मैंने बोला है। अब आपने नोटिस किया यहाँ मैंने एंड ऑफ वर्ब के बाद लिखा, आफ्टर वर्ब, है ना, आफ्टर वर्ब लिखा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आफ्टर वर्ब कहीं पे भी हो, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर अगर हम सेल्फ वाला वर्ड यूज़ करते हैं और वर्ब उसके बाद आती है, यानी कि जस्ट उसको टच कर, जस्ट नेक्स्ट वर्ड, तो ये आपका, क्योंकि वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका काम करता है बेटा, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए सेंटेंस की एंड में आता है, और एम्पैथेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके साथ एज ए सब्जेक्ट ही यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और सॉरी एम्पैथेटिक प्रोनाउन है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन और जो मेन सब्जेक्ट होता है वो साथ चलता है, इसलिए दोनों को हम सब्जेक्ट मानेंगे, ये यहाँ पे एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एक सेंटेंस और लिखती हूँ बेटा इसके लिए आपको, माय पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, आपने देखा यहाँ पे ऐसे अस यूज हो रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट बताया था, ये तो पर्सनल प्रोनाउन है ना, तो आप देखिए ये सब्जेक्ट है। तो अगर इसके पीछे क्या लगाऊंगी, एक और वर्ड अगर मुझे रिफ्लेक्सिव लगाना है तो मैं लगा दूंगी देमसेल्व्स। क्यों लगा दूंगी देमसेल्व्स बेटा, क्योंकि ये पेरेंट्स प्लूरल है, और पेरेंट्स के लिए दे भी यूज़ होता है, पर देखिए ये वर्ब है टेक केयर, तो वर्ब के बाद आ रहा है। बट अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे माई पेरेंट्स के बाद अगर देमसेल्व्स लगा दूंगी जस्ट सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद वर्ब लिखूंगी टेक केयर ऑफ अस, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने जो देमसेल्व्स लगाया है वो सब्जेक्ट के बाद लगाया है, जो मेन सब्जेक्ट है, तो ये भी सब्जेक्ट है, वर्ब देखो यहाँ पीछे आ रही है। तो एम्पैथेटिक प्रोनाउन हमेशा जस्ट सब्जेक्ट के साथ लगता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम करता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए वो एंड ऑफ द वर्ड होता है, पर होते दोनों सेल्फ वाले हैं। सीधा एग्जाम्पल
द प्रिस्ट, प्रिस्ट होता है पुजारी, हिमसेल्फ ऑफर्ड टू बिकम टू कम होम. यहाँ पे वर्ब ऑफर्ड है, उसने खुद माना कि वो खुद से घर आएगा. ठीक है, द प्रिस्ट हिमसेल्फ. अगर मैं इसी से हिमसेल्फ को उठा के होम की बात लिख दूँ तो फिर वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. फाइन. और ये जो सब्जेक्ट के साथ लग रहा है, मेन सब्जेक्ट जो है ना वर्ब से पहले, तो इसकी पोजीशन चेंज करते ही अगर मैं यहाँ से हटा के इसको वर्ब के बाद एंड ऑफ द वर्ड लिखूंगी तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव. और वर्ब से पहले जस्ट सब्जेक्ट के साथ साथ लिखेंगे तो ये आपका इम्पैथेटिक प्रोनाउन. आई माई सेल्फ विल टेल हर द ट्रुथ. मैं खुद से उसको, तो आई के साथ माई सेल्फ लगता तो यहाँ ये इम्पैथेटिक है, ऐसे सब्जेक्ट का काम कर रहा है. ठीक है, सब्जेक्ट के साथ ही चल रहा है. मदर हर सेल्फ, शी इज़ अ फेमिनाइन जेंडर, इसलिए हर सेल्फ लिखा है. तो हैव यू नोटिस, देखिए क्या लिखा है. If an imperative pronoun is removed from the sentence, अगर हम imperative pronoun को हटा भी देते हैं तो भी sentence complete होता है. It will still make sense. For example, I myself clean the kitchen. मैंने खुद से किचन को साफ किया तो यहाँ ये imperative है. अगर मैं यहाँ पे myself को हटा दूँ तो भी ये कम्प्लीट सेंटेंस है. I clean the kitchen. मैंने किचन को क्लीन किया था. कब, किससे, कैसे किया, खुद से किया, किसी की हेल्प ली, नहीं वो ज़रूरत नहीं है. इट इज़ स्टिल कम्प्लीट. आई क्लीन द किचन. इस चीज़ का ध्यान रखा बेटा, इट इज़ नॉट रिटन. इम्पैथेटिक प्रोनाउन जस्ट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद लिखा जाता है. ओके ओके बेटा, और नेक्स्ट फोर्थ काइंड प्रोनाउन इज योर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. What the demonstrative, demonstrative का मतलब होता है to point out, pointed out some person or thing. किसी को इशारे से कोई चीज़ करना, this, that, these, those. Demonstrative words was also taught in demonstrative adjective. कौन कौन सी वर्ड होते हैं demonstrative बेटा, this, these, that, those. This past की एक चीज़ के लिए, these past की many things के लिए. That is used for thing which is for that, है ना, दो की एक चीज़ के लिए. और those द थिंग्स विच आर वेरी फार, दूर की मेनी थिंग्स के लिए, है ना. दिस माने यह, दिस माने ये, दैट माने वह, दिस माने वो. ठीक है, तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड का आपको पता होना चाहिए, टू पॉइंट आउट द पर्सन या और थिंग. आर प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग वी आर रेफरिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस पर्सन की बात कर रहे हैं. जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक नोटबुक रखी है तो मैंने बोला दिस इज अ नोटबुक. पास में दूर कर दिया तो मैंने बोला दैट इज़ अ नोटबुक. फाइन, इन द सेम सेंस, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया. बट बेटा आप बोलोगे मैम ये तो हमने एडजेक्टिव पढ़ा. यू आर राइट, इस चीज़ की एक पहचान है बेटा. डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफ्रेंशिएट करने का तरीका. ठीक है, डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं. डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं आपके दिस, दिस होता है पास की एक चीज़ के लिए, इसका मतलब होता है यह है. ठीक है, सेकेंड वर्ड है दैट, दैट यूज़ होता है दूर की एक चीज़ के लिए. द थिंग्स वेरी फार, ये भी सिंगुलर होता है, ये भी सिंगुलर होता है. ठीक है, दिस का प्लूरल होता है दीज, दीज माने ये, ये मैनी के लिए यूज होता है, ये प्लूरल है इसका. ठीक है, तो दैट का प्लूरल हो गया दोज, यानी कि ये होता है दूर की बहुत सारी चीज़ों के लिए. दिस माने यह है, दीज माने ये, दैट माने वह है ना, और दोज माने वो या वे, ये भी प्लूरल होता है. ओके, नाउ सी आई हैव रिटर्न अ सेंटेंस हियर, दिस इज माय बुक. सी इन दिस सेंटेंस आपको ये तो पता है ये डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड है, बट अब हमें ये पता करना है कि ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है. इज दिस एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन, विच इज़ करेक्ट. ओके, एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, इसमें से कौन सा होगा डेमोंस्ट्रेटिव. तो आप देखिए दिस के, आपको पता है जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को. और उसकी पोजिशन क्या होती है, जस्ट बिफोर द नाउन, नाउन से जस्ट पहले, है ना. तो यहाँ पे देखिए दिस से, दिस के वर्ड के बाद तो इज लिखा हुआ है, नाउन तो नहीं है, ये तो वर्ब है ना, और नाउन तो बहुत पीछे लिखा है. तो आप देखिए दिस के बाद वर्ब और नाउन बाद में आता है. ठीक है, अगर वर्ब दिस दैट के बाद जस्ट वर्ब आती है, ओके, तो वो आपका डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. बट अगर वही सेम वर्ब जस्ट लाइक मैंने लिखा है दैट कार इज़ योर्स, तो हैव यू नोटिस हियर, यहाँ पे मैंने नाउन पहले लिखा है और वर्ब बाद में लिखी है, है ना. तो दैट के जस्ट पहले बाद में नाउन है ना. तो यहाँ पे जो ये वर्ड है वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. सेम ऐसे ही दीज दोज में होता रहता है. ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ दिस शर्ट इज योर्स, है ना, दैट हाउस
is ours. These are our house. मैं जस्ट चेंज करके बता रही हूँ. Those are your shirt. आप देखिए बेटा डिफरेंस देखिए. मैंने तीनों वर्ड्स को लिया और आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बात बता रही हूँ कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. रीड द फर्स्ट सेंटेंस. यहाँ पे भी दिस है, यहाँ दैट है, यहाँ दीज है, यहाँ दोज है. ऑल आर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स. ओके, ये वर्ड्स तो हैं बट नाउन प्रोनाउन में कन्फ्यूजन होगी कि कब ये नाउन का काम करते हैं और कब ये प्रोनाउन का काम करते हैं. तो बेटा यहाँ देखिए, दिस शर्ट इज़ योर्स. तो आप देखिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, इसके जस्ट बाद में नाउन आ रहा है और उसके बाद में वर्ब आ रहा है. तो यानी कि वर्ब दिस और दैट के बाद अगर नाउन आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डी ए लिख दिया मैंने, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. सेम हियर, दैट के बाद हाउस आ रहा है, इस बार वर्ब बाद में आ रही है क्योंकि जो एडजेक्टिव वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी पोजीशन नाउन से पहले होती है. दिस इज़ योर नाउन. तो इससे पहले जो ये वर्ड आ रहा है, जस्ट पहले ना नाउन से, तो ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. बट सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दीज आर आर हाउस. ये घर हमारा है ना, ये घर हमारे हाउसेस, सॉरी ये घर हमारे हैं. कौन से? तो देखिए यहाँ पे वर्ब पहले लिखी हुई है. हैव यू नोटिस, यहाँ वर्ब बाद में थी, नाउन पहले था. यहाँ पे वर्ब पहले लिखी है, नाउन वर्ब के बाद है. तो आपको पता है वर्ब से पहले अगर दीज दैट आएगा तो ये आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डी पी के शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है. सेम ईयर अगेन, तो उसके बाद वर्ब आ रही है और नाउन बहुत बाद में आ रही है. जस्ट वर्ब से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा तो एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव, और वर्ब से पहले आएगा तो प्रोनाउन. तो दिस इज अगेन योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो हैव यू नोटिस, प्रोनाउन वर्ब को फॉलो करता है और एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करता है. फॉलो मीन्स उसका पीछा करना, ठीक है.